यहाँ हो रही है पैकिंग सारी, मतलब फूल भी है। कितना टाइम लगेगा? और भाई देख रहे हो भाई अपने साथ तगड़े वाला सीन भाई अपन। ऊपर से जल्दी। ओह ये कौन से लाया? गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज दिन के 11 बज चुके हैं भाई, अभी उठे नहाए नहीं भाई, सिर्फ मुंह धोया, मुंह धो के चले गए, चाय वगैरह पी ली और सुबह सुबह अपने भाई आगे मिलने। क्या नाम है आपका? गोलू। गोलू भाई रात के 3 बजे आए थे भाई, देखो हम सोए हुए थे, ये चले गए। इन्होंने बोला रात के 3 बजे, आपने ही बोला था राजा भाई फोटो भाई, ऐसा प्यार मैंने कभी, अगर आप नहीं आते तो मुझे दुख रह जाता भाई। लेकिन आपका सब मिलने का बहुत शौक था राया भाई, अगला चक्कर में भी आया था, लेकिन उस चक्कर में मैंने नासिक में था, आप मिर्चा लेके आया था भाई। देखो मैं लाइव आया था, लाइव मैंने फेसबुक पे शेयर कर दी, काफी भाई कमेंट कर रहे थे कि आपने गाड़ी नहीं रोकी भाई। देखो हमारे ब्लॉग ना 2 दिन लेट आ रहे हैं और जब से चक्का जाम है हमारी गाड़ी 2-3 दिन से कोलकाता नहीं है, तो मुझे अच्छा लगा अपने भाई से मिलकर। और यहाँ रहे दूसरे भाई की स्कूटी, ये भी सुबह सुबह आए थे। तो गाइज करते हैं आज का ब्लॉग यहीं से कंटिन्यू, अभी तक जिन मैंने सब्सक्राइब नहीं किया गाइज कर दो। गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज सुबह के 10 बज चुके हैं भाई और गाइज हम आ चुके हैं लोडिंग के लिए भाई। रात को ही आ गए थे 3 बजे और वही चाचू आए थे हमें छोड़ने, क्योंकि भाई हमें ना सिटी के अंदर अंदर से आना पड़ा। आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से कंटिन्यू, तो अभी तक जी मैंने सब्सक्राइब नहीं गाइज कर दो भाई। सुबह सुबह अपने भाई के साथ आगे भाई, देखो मुँह भी नहीं धोया, अभी फ्रेश भी नहीं हुआ, सिर्फ गाड़ी से उठा, भाई ने बोला राजा भाई उठो और चलते हैं घूमने। और गाइज अपनी गाड़ी में आज क्या लोड होगा भाई, लाइफ में फर्स्ट टाइम यहाँ देख रहे हो भाई, फूल ही फूल भाई, सारे ये फूल वगैरह, ये छोटे छोटे पेड़ पौधे, मतलब जो भी है ना ये सारे लोड होंगे अपनी गाड़ी में। देख रहे हो भाई हर किस्म का, ये देख रहे हो भाई, ये देख रहे हो, पता नहीं ये कोई फ्रूट है क्या है भाई, छोटे छोटे हर किस्म का पेड़ पौधा है, मतलब जो भी है पूरी गाड़ी में भर के ले जाएंगे। और अपनी लोडिंग हो रही है अमृतसर के लिए भाई, तो मैंने सोचा कि प्यारा सा व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और गाइस लोकेशन चेक कर रहे हो भाई, कितनी प्यारी लोकेशन है भाई, ये वाली सोसाइटी ना मुझे बहुत प्यारी लगी। और देख रहे हो नारियल के पेड़ ही पेड़ है। तो अपना बादशाह यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में भाई के साथ आ गया, छोटे भाई है गाड़ी में। जो क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। ठीक है, कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हो? 2 साल हो गए। 2 साल से? 2 साल। 2 साल? आज 10 साल। बढ़िया बढ़िया। बंगाली हो? बंगाली। बंगाली ठीक है। देख रहे हो भाई नर्सरी फूल चेक कर रहे हो, छोटे भी लाते हैं काम करता है। यहाँ देख रहे हो ये वाला गमला चेक कर रहे हो गाइस, ये वाला गमला हम लेके जाएंगे सारे, मतलब तो अपने घर के लिए भी जो पेड़ चाहिए तो मैं यहाँ से ले लूँगा, अच्छे अच्छे पेड़ मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। और भी यहाँ देख रहे हो, यहाँ रोज़ भी पड़े हुए हैं, देख रहे हो रोज़। जब तक ना इस पेड़ को बड़े गमले में लगेगी नहीं तब तक ना ये अच्छे नहीं होगा। और यहाँ चेक कर रहे हो संतरे वगैरह लगे हुए हैं, ये चीज़ चेक कर रहे हो संतरे पे। अपने भाई के साथ आगे बहुत अच्छा लगा यहाँ से, मतलब आज मैं देख रहा हूँ ना ये, हाँ ये कौन सा? अरे की गाज अजे? एजेलिया। एजेलिया? हाँ। फ्लावर देख रहे हो भाई कितना प्यारा है, एजेलिया। तो मेरी गाड़ी में क्या क्या जाने वाला है? सब जाएगा। कौन सा? सब मिक्स मिक्स जाएगा। ये कौन सा पेड़ है ये वाला? वो कामकोट लेबू है। लेबू लेमन? लेमन जब ये खुली जगह लगेगा उसके साथ बाद लगेंगे, इसके साथ खाने वाला अचार जो होता है ना, हाँ खट्टा वाला अचार जो होता है उसी से बांधता है। आएंगे कलकत्ता भैया से कांटेक्ट करेंगे और यहीं से लोड मिल जाएगा और यहीं से निकल जाएंगे भाई, ट्रांसपोर्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। रबर गाछ है ये, रबड़ है। हाँ। इसी से टायर बनता है। हाँ, ये गाछ बड़ा होता है भाई, ये पेड़ देखा इससे टायर बनता है। मैं आपको एक बार उठा के भी दिखा देता हूँ, भैया उठाना जरा दोनों हाथ में, ये वाली चीज़ है, ये रबड़ का पेड़ है भाई, टायर वगैरह ना इसी से बनता है। ऊपर ये अगरतला में यही होती है क्या? अगरतला होता है आपका, उधर पे होता है ना। हाँ यही रबड़ है ना। तो गाइस आ चुके थे भाई के साथ भाई के घर पे और ये रहे इनके छोटे भाई, क्या नाम है अपना? शांतो। शांतो भाई के साथ आगे भाई, और अभी हम जा रहे हैं सीधा लहसुन वगैरह लेने, क्योंकि प्याज लहसुन गाड़ी में ख़त्म था। तो भाई की सोसाइटी में आए भाई, बहुत अच्छा लगा, देख रहे ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए भाई जिसमें फ्रेश हवा, तभी बोलते हैं ना पेड़ पौधे हमेशा लगाने चाहिए भाई, देख रहे हो मतलब यहाँ ना सारी नर्सरी नर्सरी है, उसकी वजह से ना बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। अभी चलते हैं शॉप पे, वहाँ से प्याज टमाटर वगैरह लेते हैं, फिर चलते हैं अपनी गाड़ी में। तो गाइस पहुँच चुके हैं अपने बादशाह में भाई, और देख रहे हो हमारी लोकेशन कुछ इस तरह की जगह पे भाई, देख रहे हो यहाँ नारियल के कितने प्यारे पेड़ वगैरह है। तो प्याज टमाटर ले आए भाई, देख रहे हो प्याज टमाटर भाई कट कर रहे हैं भाई, व्लॉग हो जाए इसके बाद फूड का। देख रहे हो अभी प्याज मिर्च वगैरह भाई ने कट करके रख दी, उसके बाद ना हमें पूरा सेटअप वगैरह लेना पड़ेगा, मतलब फूड व्लॉग कैसे करना क्या करना वो भी। और यहाँ देख रहे हैं छोटू पतंग उड़ा रहा है, चेक कर रहे भाई। तो गाइस चलो पहले खाना वगैरह रेडी करते हैं, खाना वगैरह रेडी करके फिर यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, कहीं जाएंगे घूमने वूमने, क्योंकि गाड़ी भाई ने बोल दिया कि राजा भाई गाड़ी कल लोड होगी आज। तो गाइस हो चुकी है शाम और शाम के बज चुके हैं 5, हमारी गाड़ी तो लोड हुई नहीं भाई, पूरा दिन गाड़ी में सोए हुए थे भाई, अभी उठे, खाना वगैरह तो अपना रेडी है, चावल वगैरह नहीं बनाएंगे। और यहाँ देख रहे हो टाइम पास कैसे हो रहा है,
कभी इधर सो रहा है, कभी वहां जाके, कभी यहाँ आके, भाई गाड़ी के चार कोने में। और गाइस एक चीज बोल देता हूँ भाई, काफी भाई कमेंट करते ना कि राजा भाई मतलब कुछ बंदे ना कमेंट में बड़ा कुछ बोल देते हैं कि यार आप ना मतलब पूरी भारत में चक्का जाम है तो आप गाड़ी चला रहे हो। भाई जरा दिमाग से सोचा करो यार, मेरी वीडियो ना चार चार दिन बाद लेट आती है, और जब से चक्का जाम था तब से मैं कलकत्ता में था, और आपको पता भी है भाई घर में बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। तो ऐसा है कि मुझे घर जाना है भाई, और ऐसा सीन है कि इस बार ना मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा और घर पहुँचना ही पड़ेगा। घर पहुँच के फिर चक्का वगैरह जाम हो जाए, जो भी हो जाए, हम भी हमेशा अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, क्योंकि ड्राइवर एकता जिंदाबाद है और हमेशा रहेगी। ठीक है, 2000 years later. Hey guys, good morning and welcome back to the channel. तो गाइज सुबह के 7:30 बज चुके भाई, सुबह सुबह उठे और अपने काम पे लग गए गाइज, क्योंकि मुंह हाथ भी नहीं धोया, ब्रश भी नहीं किया, नहाए भी नहीं, और सुबह सुबह गाड़ी लगाई और यहाँ देख रहे हो जाला तरपाल वगैरह हमने कर लिया। अब हमने यहाँ गाड़ी पे जाला वगैरह बिछा लिया, क्योंकि गाइज बाद में ना ये पेड़ पौधे डालेंगे ना, तो उसके बाद ना ये ख़राब ना हो जाए, उसके बाद उससे पहले ही हमने ये मार दिया। और वहाँ देख रहे हो लोडिंग अपनी हो चुकी है स्टार्ट भाई, ये रही नर्सरी, यहाँ से हमारी गाड़ी होगी लोड। तो गाइज उससे पहले भाई चलो चलते, पहले ब्रश वगैरह कर लेते हैं, एकदम नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, कपड़े वगैरह चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जब लोडिंग होगी उसके बाद ही करेंगे, क्योंकि आपको पता भी है ना काम लगेंगे तो सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, वैसे भी कपड़ों की हालत ही ख़राब हो रखी है। एकदम नहा धो के फ्रेश हो गए और यहाँ रहा भाई का घर, यहाँ पर नहाया धोया भाई, तो कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए क्योंकि गाइज ऐसा सीन है कि अभी गाड़ी को ना तरपाल वगैरह डालना है, और आपको पता भी है धूल में हालत ही ख़राब हो जाती है। और अपना बादशाह रहा यहाँ पर भाई, तो दिखा देते भाई जो जो माल लोड होगा हमारी गाड़ी में। यहाँ देख रहे हो ये वाले पेड़ यहाँ पे पड़े हुए, ये वाले अलग अलग किस्म के पेड़ जाएंगे हमारी गाड़ी में, और मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। यहाँ देख रहे हो ये वाले सारे भाई, चेक कर रहे हो, तो चलो दिखा देते हैं अपनी गाड़ी की कितनी लोडिंग हुई। मैं देख रहे हो कुछ इस तरह की सेटिंग हो रही है अपनी गाड़ी में, चलो अंदर चल के दिखा देते हैं आपको। करो 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 सेट, इसको मत दिखाओ, कितना टाइम लगेगा? और भाई देख रहे हो सेटिंग कैसे लग रही है, 18 टन करना है उसी हिसाब से, ठीक है 18 से ऊपर ही होना चाहिए, 5 बज जाए कोई टेंशन नहीं, आराम से करना कि माल गिरे ना वापस। ठीक है ठीक है भाई, सेटिंग देख रहे हो अपनी गाड़ी में क्या डल रहा है, एकर मालिक प्लान दी नहीं, थोड़ी खोले हुए आज से दादा। ये कौन सा पेड़ है? कोरा टन है, देख रहे भाई कोरा टन है, पहाड़ी पहाड़ी का, क्या बात है, शोपीस के लिए, शोपीस के लिए, क्या बात है। ये भी लगाई है क्योंकि ये ना इसको नुकसान वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सूख ना जाए भाई, और इसको भी टाइम से पहुँचाना पड़ता है, और तरपाल ऐसे ऐसा तरपाल डालना पड़ता है कि इसमें हवा वगैरह कुछ ना आए। चलो 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 चलो, तो पैकिंग हो रही है यहाँ से, ये भी जाएगा चेक कर रहे भाई, यहाँ हो रही है पैकिंग सारी, मतलब फूल भी हैं और फ्रूट्स वगैरह के भी हैं। हेलो विकास चाचू, विकास चाचू आगे हमें लेने, आप हमारे लिए आए हैं बाबू, मालिक है मालूम है, ठीक है मालूम है बाबू, हाँ आपको लेके ही आया। अच्छा अच्छा, गाड़ी को छोड़ने आए थे? नहीं इधर में नहीं, यहाँ से कितना? वो आपका स्प्लेंड में, मंडी से 3 किलोमीटर बीच में, हाँ हम देखा फिर जाएगा वो, उसको जो आदमी जाने का बात नहीं था, मेरा कचिना सुनो पार्टी वो पोबीटा था खाने वाला, अच्छा वहाँ पे मेरा जना सुनो आदमी था, मैं बोला चलो पार्टी भी बोला मेरा। फ्रूट आपके इधर नहीं चलेगा चाचा, इसमें फ्रूट वगैरह कुछ नहीं जाएगा? जाएगा जाएगा जाएगा, वो जाएगा अमरूद, अमरूद जाएगा, सिर्फ अमरूद और कुछ नहीं। तो भाई देखा जाए तो सारा मतलब जो ना शो पीस के लिए, मतलब घर के बाहर जो लगते हैं पेड़ वो वाले ज़्यादा जाएंगे, और बाकी ना फ्रूट्स वगैरह में से सिर्फ अमरूद ही जाएगा। और यहाँ देखा मैंने अमरूद और संतरा, उसके बाद ना मौसमी हो गया, उसके बाद हो गया चीकू, हो गया चीकू का भी मैंने पेड़ देखा, आम, हाँ आम भी जा रहा है, आम भी जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो दिखा देते हैं भाई, आप आ चुके अपने ढाबे पर भाई, वहाँ भाई के पास पियेंगे चाय, रात को भी यहीं पी के गए थे मेरे ख्याल में, हाँ यहीं, तो चाय वगैरह पी लेते भाई, ये रहा छोटा सा ढाबा भाई, तो चाय वगैरह पी लेते, और अपने भाई में मिल गए यूपी से, क्या नाम है आपका? वसीम खान, वसीम खान, खान साहब मिल गए, देख रहे हो ये खान साहब एक बैठे हुए, दूसरे ये बैठ गए खान साहब, तो अभी चाय वगैरह पीते हैं। तो गाइस आधी गाड़ी हो चुकी है लोड भाई, और हाइट वगैरह दिखा देते भाई गाड़ी के, ना ऊपर चढ़ के आपको हाइट वगैरह दिखा देते भाई, कितनी हाइट जाएगी। तो गाइस ये चेक करो, ये ऐसे लगेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा ऊपर तो मुंशी को दिखाओ, हाँ हाँ मुंशी साहब,
तो ये देख रहे भाई, ये वाले भी आएंगे पड़े वाले। लीचू है। कितने टन माल जाएगा अंदाजे से? 20 टन। नहीं नहीं 20 नहीं जाना चाहिए, पूरा 20 टन जाएगा। ना ओवरलोड हो जाएगा, 18 टन ओवरलोड जाएगा। अरे 18 टन जाना चाहिए। तो भाई देख रहे हो हाइट कहाँ तक आ गई। अब तिरपाल वगैरह डाल के हवा इसमें नहीं जाना चाहिए। नहीं हवा नहीं चल। और ये देख रहे हो भाई ने कैसी सेटिंग की इसको। हाँ। ना ऐसे करना कि ये गिरे ना पीछे। ये ना गिरेगा ना। आपके पास आएंगे हमेशा, जब भी आप इधर आएंगे ना तो हमेशा पेड़ ही भरेंगे भाई। इसमें गाड़ी में नुकसान वगैरह नहीं है। अंदर भी दिखा देते हैं आपको जहाँ पैकिंग हो गई अभी। तो भाई यहाँ दिखा देते हैं छोटू भाई, ये कौन सा पेड़ है? देख फ्रूट भी लगा हुआ साथ में। कीवी? कीवी नहीं है ये, चीकू है। कीवी कहाँ आ गया देखो जरा, छोटा सा पेड़ भाई देख रहे हो, इसके साथ चीकू लगा हुआ है। साजिद भाई से पहले भी मिला था। साजिद भाई आज फिर से मिल गए, देख रहे हो। साजिद भाई बिहार से हैं बेसिकली और यहाँ गाड़ी चला रहे हैं। साजिद भाई पहले हम कहाँ मिले, सोचा था कभी हम यहाँ पे मिलेंगे? नहीं। और अगर यहाँ से जो भाई ब्लॉग देख रहे हैं ना भाई, वो ये चीज़ नहीं बोलना कि राजा भाई आपने लोकेशन वगैरह नहीं डाली। तो चलो मैं कुछ चीज़ करता हूँ फेसबुक पे, अभी करंट स्टोरी डाल ही देता हूँ, जो भाई यहाँ के ना उनसे मिल के जाएंगे भाई। छोटू ठीक है ना? ऐसा क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं। स्टोरियाँ मेंशन करो करो भाई, दबा के करो। तो भाई आजकल ना हम स्टोरी वगैरह कंटिन्यू डाल रहे हैं। देखो पहले स्टोरी वगैरह नहीं कभी डाली भाई, वो शौक ही नहीं था, लेकिन आजकल डालनी पड़ती है क्योंकि ऐसा ना काफ़ी भाई हैं जो बाद में गुस्सा भी करते हैं, राजा भाई आप में एटीट्यूड है, आप आए और मिल के नहीं गए। छोटू कर रहा है भाई सफाई और हम आगे स्कूटी पर, और अपने साथ आगे विकास चाचा। हम जाएँगे कहाँ? दुकान पर जा रहे हैं सब्जी वगैरह लेने। तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं सीधा शॉप पर। विकास चाचा हर गाड़ी चला। तो गैस चलो निकलते हैं भाई और पहुंचते हैं शॉप पे, वहाँ से देखते हैं क्या सब्जी वगैरह लेनी है। वैसे तो आज मन है हमारा मीट खाने का, तो कुछ मीट वगैरह भी ले लेते हैं भाई, उससे ना प्याज वगैरह भी ले लेंगे। रिस्क वगैरह नहीं लेंगे क्योंकि अपने साथ ना चाचू बैठे हुए भाई। विकास चाचा आपके साथ ना बहुत ज़्यादा दिल लग गया। हम दोस्त बन के नहीं, चाचू भतीजे वाले दोस्ती हो गए। एक बात बताया। हाँ मेरा वो तो अपना आदमी है, हमारा फैमिली को तुम्हें हम बहुत कमजोरी हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपका बहुत बड़ा बिजनेस था, आज कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। हमारा नहीं, मेरा भैया देखकर। हाँ जिंदगी में अप डाउन लगा रहता है भाई। देख रहे हो चाचू बोल रहे हैं कि बेटा हमारे पास ना बहुत बड़ा बिजनेस था और आज ऐसा सीन है कि मैं सिर्फ गाइड का काम कर रहा हूँ। ये ऐसा सीन है कि भाई देखो यार अप डाउन लाइफ में लगा ही रहता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपकी टांगे खींचते हैं। भाई देखो हमेशा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए भाई, ठीक है। अपने काम जो भी कर रहे हो ना भाई, उसको दिल लगा के करो। तो गाइस सब्जी वगैरह ले ली भाई और आप चलते हैं सीधा अपनी गाड़ी के पास। और यहाँ देख रहे हो भाई, इस सोसाइटी में ना आपको हर जगह नर्सरी मिलेगी, मतलब छोटे प्लांट, जहाँ हर जगह छोटे छोटे पौधे, यहाँ के हर जगह की नर्सरी मिलेगी आपको। हर जगह छोटे छोटे पौधे ही मतलब पाले जाते हैं, जो बीज वगैरह लगते हैं वो यहाँ पर लगाते हैं, इनको ग्रो करते हैं, फिर यहाँ से सप्लाई होता है ऑल इंडिया में। तो गाइस आज लग चुकी है ड्यूटी आपके भाई की खाना बनाने की। यहाँ देख रहे हो मिर्च वगैरह भी ले आए, धनिया ले आए, उसके बाद ना प्याज और मिर्च काट के रख दी। अब रह गया टमाटर वगैरह काटते हैं भाई, टमाटर वगैरह काट के फिर खाना वगैरह बनाएंगे। तो हो चुके हैं भाई अपने साथ तगड़े वाला सीन भाई, अपना चावल वगैरह रेडी हो चुके थे, अपना चिकन रेडी हो रहा था भाई, उससे पहले ना गाड़ी में गैस सिलेंडर ही खत्म हो गया। हाँ जी हाँ जी, ओह ये कौन से लाया भाई, देख रहे हो पकड़वाना ऊपर बादशाह लोड। देख रहे हो भाई, भाई ने ये वाली जाली बचा दी क्योंकि भाई यहाँ नीचे पेड़ है ना, उनको धूप वगैरह ना लगे, और इसके ऊपर तरपाल वगैरह हम अच्छे से बचा लेंगे। गाड़ी आधे तक पहुँच गया, आधे से भी ज़्यादा। और यहाँ भाई ने गैस वगैरह दे दिया कि भाई अपना गैस हमारा रखो, खाना वगैरह पका के वापस करेंगे। अपना सिलेंडर रहा है यहाँ पे, और गैस देख रहे हो टूल में कितना गंद पड़ा हुआ है। तो चलो चलते हैं गाड़ी में भाई सीधा, पहले खाना वगैरह रेडी करते हैं। उससे पहले छोटू गया कोल्ड ड्रिंक लाने, वो ले आए, और गाड़ी पूरी लोड हो जाए, फिर देखते हैं किस टाइम निकल रहे हैं।